स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, और आज हम जा रहे हैं स्नो के दर्शन करने मनाली। सो गाइस, फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। तो बस 10-15 मिनट में ट्रेन चलने वाली है, ओवरनाइट जर्नी होगी। देखो भाई, रात में सो के ही निकल जाएंगे, सीधा चंडीगढ़ पहुंचेंगे, सुबह हमारी चंडीगढ़ में होगी। दीपक भाई, आर यू एक्साइटेड? यस, ये हमेशा एक्साइटेड रहता है चाहे मूड खराब ही हो। नहीं यार, मूड क्यों खराब है, अभी फिलहाल नहीं खराब है। बाकी कल जब हम लोग चंडीगढ़ से मनाली के लिए जाएंगे और वो बस का सफर होगा, उसमें मे बी कुछ दिक्कतें आ सकती है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे चंडीगढ़ में। बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आवाज में हम सॉर्ट ले रहे हैं बस। मुंह देख लो, सही है। तो गाइस, चंडीगढ़ स्टेशन पे हम लोग उतर चुके हैं और अभी जा रहे हैं बस ढूंढने कि मनाली के लिए बस कहाँ से जाती है। शायद यहीं आसपास है कहीं बस स्टेशन। फिलहाल ओवरनाइट जर्नी काफी बढ़िया रहती है, रात में शाम को सो जाओ, सुबह उठो, सीधा आप पहुंच गए अपनी जगह पे। और दीपक कैसे रहा? बढ़िया रहा, हम तो अच्छे से सोए। हाँ यार, मुझे नींद नहीं आई, मुझे नहीं आती है नई जगह पे नींद भाई। बाकी स्मार्ट लग रहे हैं हमें, लग रहा है इसकी गांड जलती है मैं जब बोलता हूँ तो। चलो ठीक है, पहुँचते हैं मनाली। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और आज सुबह हम लोग मनाली पहुंच चुके थे 4 बजे के आसपास। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मनाली आपको कैसे आना है। दिल्ली से तो डायरेक्ट बस चलती है, आप दिल्ली से डायरेक्ट आ सकते हो। बाकी हम लोग लखनऊ से आए थे तो लखनऊ से हमने चंडीगढ़ की ट्रेन पकड़ी थी। चंडीगढ़ हम सुबह उतरे थे और शाम को वहां पर एक बस स्टेशन है सेक्टर 43 में, वहां से मनाली की बस मिलती है। तो फिलहाल हम और दीपक भाई निकल रहे हैं मनाली को घूमने के लिए। आज का प्लान बेसिकली ये है कि हम लोकल साइट सीइंग को ही विजिट करेंगे, जो भी आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हीं को ट्रैवल करेंगे, थोड़ा मनाली को समझेंगे, मनाली के माहौल को। एंड रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, जो रूम हम लोगों ने लिया है काफ़ी बढ़िया रूम मिल गया हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर बाथरूम वगैरह है और ये डबल बेड है, बैठने का स्पेस है, मतलब काफ़ी स्पेसियस है, आराम से फैल के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस भाई निकलते हैं। बाकी ये अपना बालकनी है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत चिल कर सकते हो। तो अभी गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल रूम से, और सुबह जब हम लोग आए थे ना मनाली, -5 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। जल्दी से हमने होटल ले लिया था, देखा भी नहीं, हमें लगा जल्दी से भाई ढूंढने का टाइम नहीं है, तब तक हम लोग को ठंड लग जाएगी। तो ये है वो होटल जहाँ पे हमने स्टे करा है, वाइट तारा नाम से, मॉल रोड से 100 मीटर्स की दूरी पर है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बाकी अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो मुश्किल से 100 मीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड पे। ये है सामने मॉल रोड, यहीं से स्टार्ट है। तो चलो अंदर चलते हैं मॉल रोड के। हाय 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 हाय, बहुत मस्त है भाई। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना? यस ब्रो, हल्की हल्की धूप खुली तो मज़ेदार लग रहा है। बहुत सुना है भाई इस मॉल रोड के बारे में, आज फाइनली यहाँ पे हमने अपने कदम रख दिए हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा देवी टेंपल की तरफ। सबसे पहले हमने सोचा कि अपने दिन की शुरुआत माता के दर्शन करके करते हैं, तो वही हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन रोड्स हैं भाई यहाँ की, और ये ट्रैक है इसलिए थोड़ा सा थक भी गए हैं ऐसा लग रहा है। अभी हम लोग हिडिंबा देवी टेंपल के पास आ चुके हैं और ये रहा गेट जहाँ पे लिखा हुआ है हिडिंबा टेंपल। तो बस थोड़ी दूर और है, चलते हैं जल्दी से ट्रैक करके पहुँचते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं। हमको खींच लोगे ना भाई? बिल्कुल आ जाओ मेरे भाई, चलो 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 चलो, इसने तो मेरे को केदारनाथ का ट्रैक करवाया था। चलो चलो चलो। तो भाई हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है, और भाई क्या नजारे हैं, ये देवदार के लंबे लंबे पेड़। आहा, भाई ऐसा नहीं देखा ना हम लोगों ने कहीं नहीं, अलग है भाई। आ जाओ
तो गाइस फाइनली हम लोग ट्रैक करके पहुंच चुके हैं माता हिडिंबा देवी के टेंपल, और यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कितनी प्यारी लोकेशन पे सिचुएटेड है ये टेंपल। एज यू कैन सी ये रहा सामने, तो अभी ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कैसा है टेंपल और यहां पे देखो क्या हो रहा है। सो गाइस दर्शन हमने कर लिए हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारा टेंपल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसकी लोकेशन बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, चारों तरफ देवदार के पेड़ है, उसके बीच में ये टेंपल है और काफ़ी हाइट पर भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसके जस्ट पीछे है डुंगरी वन विहार, अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे, एंट्री टिकट है, क्योंकि अंदर वो ना जंगल वाला फील आएगा, तो काफ़ी वीडियोज़ भी देखें अंदर, बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल थोड़े फोटो वोटो खींचते हैं यार, फिर चलते हैं वहाँ पर ना। तो गाइस अभी मंदिर के जस्ट पीछे हम यहाँ पर आ चुके हैं डुंगरी वन विहार, और यहाँ पे एंट्री टिकट मिलता है, शायद अंदर है टिकट काउंटर, तो चल के टिकट लेते हैं और देखते हैं इस वन विहार में क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा ही अच्छा, बाकी जंगल इतना प्यारा लग रहा है। सो सिर्फ 10 रुपये का टिकट है, 2 टिकट हमने ले लिए हैं और अंदर आ चुके हैं। भाई कुछ हो ना हो पीस तो है भाई बहुत, और ये पेड़ गजब लग रहे हैं भाई। तो भाई अभी हम इस पत्थर पे बैठे हुए हैं और ये है वन विहार, दिखाओ दीपक भाई चारों तरफ, ये देखो बहुत बढ़िया है भाई, क्या बात है, ऊपर 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 दिखाओ कितने ऊपर तक पेड़ है। क्या किया जाए दीपक। तो गाइस अब हम दोनों इस पत्थर पे पुशअप चैलेंज यहाँ पे करने वाले हैं, देखते हैं कौन ज्यादा पुशअप मारता है। ये इतने दिनों से जिम कर रहा है, हमें हो गया लगभग 2 साल जिम छोड़े हुए, अभी हम काफी टाइम से जिम नहीं किए हैं और ये साला प्रॉपर कर रहा है, लेकिन कंपटीशन देखते हैं देंगे अपन, कंपटीशन देंगे। चलो विशाल भाई भाई बराबर, देखो पहले मैं करता हूँ फिर तुम करो, करो करो देखते हैं कितनी मारोगे। अबे दोनों साथ में लगाएं ज्यादा बेटर रहेगा, दोनों साथ में जगह ही नहीं उतनी, रुको हाय है चलो। और फिलहाल चलो लेट्स गो, तो अभी हम लोग को ठंडी भी लग रही है तो अभी गर्मी आ जाएगी, चलो अबे हम टेढ़े मेढ़े हो गए, सही हो जाओ पोस्चर सही कर लो, चलो 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 स्टार्ट। अबे हमारा एक हाथ नीचे जा रहा है, 2 3 4 5 6 24 25 26 26 बस भाई हम नहीं करेंगे हम। अरे मम्मी रे बराबर ही तो हुआ, आ गया भाई मजा आ गया, उठा जीत गए हम, उठा जीत गए हम, उठा। अरे बाप रे मजा आ गया भैया, मजा आ गया, गर्मी आ गई, पूरी गर्मी निकल गई, चलो चेस्ट ट्रेन हो गई, उठा मर गए उठा आती साले अब जीत गया मैं, जीत गया मैं चैलेंज, बराबर हुआ, ड्रॉ हुआ है, फिर से लगाया जाए, नहीं हो गया फोटो, ड्रॉ हो गया। तो भाई अपना फोटो शूट करवाने के लिए मैं चढ़ रहा हूँ इस पत्थर पे, देखो भाई कितना जॉइंट सा पत्थर है, और वो रहा हमारा कैमरामैन डब्बू रत्नानी का भाई, मॉडल्स का फोटो शूट करता है, आज मेरा करेगा, चलो फोटो साहब, चलो भाई फोटो खिंचाते हैं पहले इससे। सो गाइस फोटोग्राफी हमने कर ली है, काफी बढ़िया फोटो आया यार, इंस्टाग्राम की लिंक में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके लाइक एक कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं और वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, ज्यादा लंबा बना दूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो अब ये 2 प्लेस हमने मॉर्निंग में कवर कर लिए हैं, एक ये वन विहार और हिडिंबा देवी टेम्पल, अब जा रहे हैं लंच वगैरह करके, फिर शाम को निकलेंगे मनाली को एक्सप्लोर करने।